हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम मैथ्स 1 ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो फ्रेंड्स, क्या आप इन 12 मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको इन 12 मार्क्स को स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल 4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रैक्टिस सेट 1.1 से। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन 2 में हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, और यहाँ पर सॉल्व करके हमें इन वेरिएबल्स की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड है, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड या फिर डिटरमिनेंट को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली क्या करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड में? हम किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। और उसके लिए हमें वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है वो क्या लाना पड़ेगा, सेम लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल m की तरफ। तो इक्वेशन 1 में वेरिएबल m का जो कोएफिशिएंट है वो है 5, और इक्वेशन 2 में वेरिएबल m का जो कोएफिशिएंट है वो है 1। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, हम इस वेरिएबल m का कोएफिशिएंट 5 काफ़ी इजीली बना सकते हैं बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन बाय 5। आप फ्रेंड्स n को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n के कोएफिशिएंट्स को इक्वल लाना पड़ेगा। बट देखिए, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट है यहाँ पे -3, और यहाँ पे n का कोएफिशिएंट है -6। तो फ्रेंड्स, इस n के कोएफिशिएंट को इक्वल लाने के लिए आपको बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन और स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। उससे अच्छा फ्रेंड्स, हम m को ही क्या करेंगे, एलिमिनेट, क्योंकि जस्ट हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको 5m मिल जाएगा, उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो फिर m क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किस से, बाय 5। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 किसे, बाय 5 से। ठीक है फ्रेंड, तो क्या आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सो 5 इंटू एम ये हो जाएगा 5m, देन 5 इंटू -6n ये हो जाएगा -30n, उसके बाद 5 इंटू -7 तो ये हो जाएगा -35। तो फ्रेंड देखिए, हमें इस 5 को इक्वेशन 2 के हर एक टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में m के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल आ चुके हैं, जस्ट अभी यहाँ पे क्या करना है, इन्हें एलिमिनेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो फ्रेंड देखिए, हमने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, और कहाँ से, फ्रॉम 1 में से। तो इसका मतलब पहले हमें कौन से लिखना पड़ेगा, 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5m -3n इज इक्वल टू 19। उसके बाद लिखेंगे हम थर्ड इक्वेशन जो है 5m -30n इज इक्वल टू -35। और हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सभी के साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये 5m बन जाएगा माइनस, ये -30n बन जाएगा +30n, और ये जो -35 है ये बन जाएगा +35। अब देखिए, ये +5m और ये -5m कैंसिल, अब -3n और +30n। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस है और ये 30 अब हो चुका है प्लस, तो 30 - 3 ये कितना आएगा, 27n इज इक्वल टू यहाँ पे 19 प्लस करना है आपको 35। तो ये 9 और 5 हो जाएगा 14, उसके बाद 1 और ये हो जाएगा 54। और फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी प्लस हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ n, इस 27 को हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 27। ये जाएगा डिवीजन में, क्योंकि n के साथ ये है मल्टीप्लिकेशन में। सो नाउ वी नो दैट
27 इंटू 2 इज़ 54, तो यहाँ पे n की वैल्यू आएंगी 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास देखिए तीन इक्वेशंस हैं, आपको जो सबसे इजी लगे आप वहाँ पे इस n की वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करेंगे m की वैल्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इजी हमें लग रही है इक्वेशन 2, तो हम यहीं पे पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 2, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 कहाँ पे, इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए n की वैल्यू पुट करेंगे 2 इक्वेशन 2 में, तो क्या आएगा यहाँ पे, यह आएगा m माइनस 6 इन 2। अब इस n की जगह पे क्या आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 6 इन टू 2 इज इक्वल टू माइनस 7। उसके बाद ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, तो माइनस 6 इन टू 2 हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7। मल्टीप्लीकेशन में फ्रेंड्स एक अगर माइनस रहा तो आंसर क्या आएगा, माइनस। तो फिर यहाँ पे m इज इक्वल टू ये हो गया अब माइनस 7, और इस हम माइनस 12 को लेके जाएंगे यहाँ पे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस 12। तो फ्रेंड्स 12 माइनस 7 ये कितना रहेगा, तो ये रहेगा आपका 5। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए वैल्यू ऑफ m यहाँ पे हमें मिल चुकी है 5। अब फ्रेंड्स आप इस वैल्यू को चेक करके भी देख सकते हैं कि क्या यह आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो क्या करेंगे आप, m और n की जो वैल्यू है आप किसी भी एक इक्वेशन में उसे पुट करके देखिए और चेक कीजिए कि क्या वो LHS और RHS इक्वल शो कर रहा है। अगर है तो फिर हमारा आंसर करेक्ट है। तो चलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, m की वैल्यू देखिए 5, उसके बाद n की वैल्यू है 2, तो देखिए m की वैल्यू हो चुकी है 5, तो यहाँ पे 5 पुट किया हमने, माइनस 6 इंटू n कितना है 2, तो ये कितना आएगा माइनस 6 इंटू 2 या आएगा माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे है 5 और ये माइनस 12, तो 5 माइनस 12 कितना होगा, क्या होगा, माइनस, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस में अगर एक माइनस रहा तो क्या करेंगे हम, माइनस और साइन देंगे बड़े नंबर का, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 12 मतलब ही कितना, माइनस 7, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए हम लिखेंगे आंसर, तो क्या रहेगा हमारा आंसर, हम लिखेंगे देयरफोर 5 2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और उसे फ्रेंड्स हम किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स देखिए यह है वो एग्जांपल नंबर 5 जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली क्या करते हैं हम इस मेथड में, तो फ्रेंड्स हम मेथड में क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे इजी जो इक्वेशन हमें लग रही है वो है इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा ये, तो हम देखिए लिखेंगे इसी को आगे, देयरफोर x इज इक्वल टू 4 माइनस 5y, और ये हो गया इक्वेशन 3। तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली क्या किया है हमने यहाँ पे, हमने इस प्लस 5y को लेके आ गए कहाँ पे, राइट साइड में, जिसकी वजह से प्लस 5y क्या हो गया, माइनस 5y। अब देखिए पूरी इक्वेशन किसके फॉर्म में आ चुकी है, x के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग क्या, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5y कहाँ पे, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसी को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब पूरे x को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू से। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, 4 माइनस 5y, तो ये आएगा इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं हम, तो ये आएगा 5, देन इन टू x, और x की जगह पे अब क्या आएगा, 4 माइनस 5y, तो ये आएगा 4 माइनस 5y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 फोर जा हो जाएगा 20, देन 5 इंटू माइनस 5, 5 इंटू माइनस 5y, तो मल्टीप्लीकेशन में फ्रेंड्स देखिए ये प्लस है और ये 5 देखिए माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, और ये आएगा 25y। उसके बाद देखिए यह है प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हम जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उन्हें एक साइड में रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें एक साइड में। तो देखिए हम कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो
तो ये हो गया 20। इस माइनस थ्री को हम लाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा प्लस 3। अब इन y वाले टर्म्स को हम लेके जाएंगे राइट साइड में तो ये जो माइनस 25 है ये हो जाएगा प्लस 25y, और ये जो प्लस 2y है ये हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 20 प्लस 3 हो गया 23, 25y माइनस 2y, सो 25 माइनस 2 ये हो जाएगा 23 और साथ में y। अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू, तो क्या करेंगे हम इस 23 को लेके आएंगे लेफ्ट साइड में और ये जाएगा डिवीजन में, तो ये आएगा 23/23 इज इक्वल टू y, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू ये आएगा 1, 23/23 ये आ जाएगा 1। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए इस y को कहाँ पे पुट करेंगे हम, इक्वेशन 3 में। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी x के फॉर्म में है तो यहाँ पे पुट करके इसे सॉल्व करना इजी जाएगा। तो अब हम पुटिंग करेंगे y की वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 1 कहाँ पे, इन इक्वेशन 3 यहाँ पे। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4-5 इंटू y, देखिए 5y तो 5 इंटू y, और y की वैल्यू पुट करेंगे हम 1, तो यह आएगा x इज इक्वल टू 4 देन माइनस 5 इंटू 1, ये कितना होगा -5, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन में अगर एक माइनस रहा तो आंसर क्या आएगा माइनस। तो अब आएगा x इज इक्वल टू -1, और फ्रेंड्स क्यों -1, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है प्लस 5 है माइनस, तो एक प्लस एक माइनस क्या करते हैं हम माइनस, और साइन देंगे बड़े का, तो 5-4 हो गया 1 और बड़े का साइन है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। सो देयरफॉर देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू मिल चुकी है एक्स की और वाई की, तो हम लिखेंगे -1 and 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप इसे अभी चेक करके देख सकते हैं कि क्या ये आंसर बराबर है या नहीं है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स हम -1 और 1 मतलब x और y की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, किसी भी एक इजीएस्ट इक्वेशन में। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करके देखेंगे, तो x की वैल्यू देखिए है -1, तो यहाँ पे आ गया -1, उसके बाद प्लस 5 इंटू y, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, y की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 5 इंटू 1, मतलब ये 5 हो चुका है, और x मतलब कितना है -1, तो देखिए यहाँ पे आएगा -1 प्लस 5 कितना होगा 4। तो फ्रेंड देखिए आप इस तरह इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप इन्हें किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे या इजी लगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।